वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th में एजुकेशन का यूनिट नंबर 6। हमारा जो यूनिट नंबर 6 साइकोलॉजी पे जो हमारा यूनिट चल रहा है, तो साइकोलॉजी के बारे में मैंने आपको कहा था। आज हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी मैंने आपको बताया है साइकोलॉजी क्या है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी मीन्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। व्हाई साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, ये साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसका ताल्लुक जो है वो ह्यूमन लर्निंग की एक साइंटिफिक स्टडी के साथ है। एक साइंसी तरीके से ह्यूमन लर्निंग को, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नथिंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नथिंग बट वन ऑफ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, ये अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। इट इज एन अटेम्प्ट, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी एक अटेम्प्ट है, एक कोशिश की जाती है इसके थ्रू टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कि हम किस तरह से, कौन सा नॉलेज इस्तेमाल करके एजुकेशन के फील्ड में हम कौन सा नॉलेज जो है वो इस्तेमाल करें विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी को कहा जाता है। कि साइकोलॉजी की मदद से हम कौन से मेथड्स, कौन से तरीके, कौन सी स्टडी करके जो है हम इसको एजुकेशन में कौन कौन से तरीके जो हैं वो लाएं, उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ द लर्नर। जो लर्नर है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को और उसके एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना जो है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन काम है इन रिलेशन टू एजुकेशनल इन्वायरमेंट। कि बच्चे को किस किस्म का तालीमी माहौल जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इससे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी से ये पता चलाते हैं। इससे हम पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नाउ वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू नो द लर्नर। इफ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द क्लासरूम सिचुएशन, देन वी हैव टू अप्लाई द एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज मस्ट फॉर द टीचर ड्यूरिंग द क्लासरूम सिचुएशन टू सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द सब्जेक्ट मैटर। अब कौन सा सब्जेक्ट मैटर जो है बच्चे को ऑर्गेनाइज या सिलेक्ट करना है, दिस हेल्प्स अस विद द हेल्प ऑफ, वी कैन सेलेक्ट दिस विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नाउ थर्ड वन इज टू सुजेस्ट आर्ट एंड टेक्निक ऑफ लर्निंग एज वेल एज टीचिंग। हाउ, व्हाट टेक्निक्स एंड व्हाट मेथड्स वी शुड यूज टू टीच द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द क्लासरूम सिचुएशन, दिस हेल्प अस विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टू अरेंज लर्निंग सिचुएशन और इन्वायरमेंट। ठीक है, किस किस्म के माहौल में आप बच्चे को तालीम दे रहे हैं, किस किस्म के माहौल में आप बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी सिचुएशन है, कौन सा इन्वायरमेंट है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हमें अरेंज करने में, इन्वायरमेंट को चूज करने में मदद करता है। टू हेल्प इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ठीक है, टू मेंटेन डिसिप्लिन ड्यूरिंग द क्लासरूम, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन। मोरओवर, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अस टू कंट्रोल द क्लासरूम। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अस इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अस टू नो हाउ द टीचर कैन रीच
in each and every student during the classroom or during the teaching learning process. तो इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर जो है हम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में साइकोलॉजी की मदद से बहुत सारे तरीकों से हम बच्चों को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. तो सो दिस वाज ऑल अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी. इससे मज़ीद भी आपको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके जो जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको दूंगा. तो सो दिस वाज ऑल अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी. थैंक यू वेरी मच.